एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर हमारे चित्त में क्रोध है तो क्रोध होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है, हमारे चित्त में लोभ है तो लोभ होते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है, किसी ना किसी रूप से ये दोष भी सूक्ष्म हो सकते हैं भगवत प्राप्ति में। पर यदि हमारे चित्त में मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या है, भगवत प्राप्ति में फिर बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। ईर्ष्या भाव ना हो इसका पूर्ण विचार किया जाए, और ईर्ष्या को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा रामबाण है। हम तो लोगों से कथा में एक बात कहते हैं कि आपने कथा 7 दिन सुनी तो 7 दिन बाद उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिससे आपको ईर्ष्या हुई है, अगर उस व्यक्ति के प्रति अभी भी ईर्ष्या भावना चित्त में है तो आपने कथा सुनी नहीं, और यदि वही व्यक्ति अब थोड़ा पहले से बढ़िया लग रहा है, चलो ईर्ष्या इतनी कम नहीं हुई लेकिन हाँ पहले जितना बुरा लगता था उतना बुरा नहीं लग रहा है, तो समझो हाँ कथा का कुछ तो प्रभाव आप पे हुआ कि उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। और एक बात कहें, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव ना हो। हमसे नेक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ नहीं, नेक श्रेष्ठ कोई दिख जाए तुरंत ईर्ष्या होती है हमको। कथा श्रवण करो, और कथा श्रवण के बाद एक बार जरूर मिलने जाना उससे, मिलने स्पेशल मिलने मत जाना, ऐसी जगह कहीं बैठ जाना जहां से वो निकलता हो, उसको देखना जरूर। यदि कथा सुनने के बाद उसमें आपको एक गुण भी दिखा, उसमें एक अच्छाई भी दिख जाए, तो समझ जाइए हाँ कथा की कृपा हम पे हुई है, कथा हमारे चित्त में आई है, और वो अभी भी वैसा ही लग रहा है जैसा पहले है, तो समझो कि आपने 7 दिन केवल चाय नाश्ता बिस्कुट उड़ाए कथा में आके, कथा नहीं सुनी है। ईर्ष्या भाव नष्ट करे वो कथा का स्वरूप है। मात्सर्य दोष वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है, पहला विषय फिर अधिकारी अब संबंध। लोग कथा सुनते हैं बहुत कारणों से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई कथा सुनता है पुण्य की प्राप्ति के लिए, कोई कथा सुनता है अपने 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 पितरों की मुक्ति के लिए, कोई कथा कराता है ग्रह शांति के लिए, कोई कथा कराता है व्यापार वृद्धि के लिए, सब लोग अपने अपने कारणों से कथा कराते हैं। पर हम एक बात आपको स्पष्ट कहते हैं, और हम हर कथा में कहते हैं ये बात, ग्रह शांति, पितृ मुक्ति, व्यापार वृद्धि, पुण्य की प्राप्ति आदि 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 जो भी साधन और भी जो आपके मन में आ जाए वो सब ले लीजिए, पुत्र की प्राप्ति। मैं एक बात बताया करता हूं, एक बार एक जगह कहीं कथा हुई तो एक माताजी 7वें दिन कथा में आई, मतलब आती तो रोज ही थी, ऊपर मंच पे आके बोली महाराज जी ये हमारी पुत्र वध हुए इसको आशीर्वाद दो। मैंने क्या, मैंने खूब प्रसन्न बोले नहीं इसको एक लाला हो। मैंने कि अब मैया व्यासपीठ से तो हम क्या, ठीक है खूब बढ़िया हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपकी व्यासपीठ की चौकी के नीचे एक फल रखा वो निकाल के इसको दो। मैंने कि इसके नीचे फल कब आया, बोले पहले दिन मैं ही रख गई थी। मेरे मन में एक भावना उत्पन्न हुई उस समय, मैंने कहा मैया आपने इतनी मेहनत करी छुप छुपा के इसके चौकी के नीचे फल रख गई, उसके बदले भी मांगा तो संसारी मांग लिया, अरे 7 दिनों में यदि वो फल अभिमंत्रित हो गया, आपकी भावना, मेरी भावना से तो नहीं हुआ, आपकी भावना से उस फल में अगर कोई शक्ति आ गई तो उस फल से भी आपने संसारी मांगा, अरे उस फल में अगर कोई 7 दिन व्यास मंच के भागवत जी के नीचे रख करके अगर उस फल में कुछ अभिमंत्रित हुआ भी उससे भी ठाकुर जी नहीं मांगे, उससे भी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं मांगी।
हमारा स्वभाव है कि संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा आपको व्रत बता दिया आप कर लोगे। बच्चे की सीए क्लियर नहीं हो रही, बोले फलाने मंदिर चले जाओ, रात में वहां पे दिया जला देना, इतने दिन व्रत रखना, ऐसे मोली बांध देना, इतने इनको दान कर आना गैया को ये। बच्चा 4 बजे उठ के भागेगा, क्यों? संसार की प्राप्ति। संसार की प्राप्ति के लिए कितना भी कड़ा व्रत बता दिया जाए व्यक्ति कर लेता है। और केवल इतने कह दो, बोले कुछ मत करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जपो, ठाकुर जी कृपा मिलेगी। ये ना कर रहे महाराज, यामो कष्ट है, रो है। विचित्र है संसार। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, हम खुल करके बोल रहे हैं, आप कथा किसी भी भावना से सुन रहे हो, आपकी कोई भावना यहां पूरी नहीं होगी। भागवत जी पर केवल एक भावना पूरी होगी, यदि आप कथा इस संकल्प से इस भावना से करवाना चाहो कि सुनना चाहो हमें श्याम सुंदर की प्रेम लक्षणा भक्ति मिले, हमें श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल पहले से और अधिक प्रिय लगने लग जाएं, आपकी ये भावना यहां पूरी हो जाएगी, ये भावना निश्चित पूरी हो जाएगी। कई लोग उदास है, बोले हम तो कोई और कामना से बैठे, आप स्पष्ट कह रहे हो मंच से कि वो कामना पूरी नहीं होगी। है जाएगी पूरी, पर ये समझियो कि फिर ये आपकी अंतिम ही कथा है, कथा फिर ऐसे योग बनाएगी नहीं कि आप दोबारा कथा में आ सको। भैया कथा से मांगनो है, अगर श्रीमद् भागवत जी से कामना करनी है तो वैद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले केवल और केवल श्री कृष्ण मांगिए। श्रीमद् भागवत जी में मुक्ति देने की सामर्थ्य है, पितरों को मुक्त करने की सामर्थ्य है, आपके व्यापार को वृद्ध करने की सामर्थ्य है, सारी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में विद्यमान है। पर यह सामर्थ्य तो केवल बाह्य सामर्थ्य है, मूल सामर्थ्य तो श्रीमद् भागवत जी में इतनी है कि वह आपकी गोद में श्री बालकृष्ण को बैठा देंगे। ये भागवत जी की सामर्थ्य है। कोई व्यक्ति बहुत बलवान है तो उसके बल का मूल प्रयोग लीजिए अपनी रक्षार्थ हेतु। कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसकी विद्या का प्रयोग कीजिए अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। श्रीमद् भागवत जी पूर्ण योग्य हैं ठाकुर जी देने में, तो फिर क्यों ना श्रीमद् भागवत जी से ठाकुर जी की कामना की जाए। बात ऐसी है कि हमें चाहिए ही नहीं, भैया घर में सदस्य वैसे ही परेशान कर रखे हैं, तुम ऊपर से ठाकुर जी और दे दो, हमें कामना ही नहीं है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयों मूलनम, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती हैं भागवत जी, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों का उन्मूलन। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणा। हम हिंदू वैदिक सनातन धर्मियों के तीन ग्रंथ प्रधान हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, श्रीमद् रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण कहो, ये हमारे तीन प्रधान ग्रंथ हैं। कई लोग तो भागवत जी को और गीता जी को एक ही मानते हैं, कथा करके हम उतने तो हमसे महाराज जी आपने गीता जी बहुत सुंदर सुनाई, मन में इतना क्षोभ होता है, मैंने कि बता 4 घंटा बैठा 4 दिन से सुनना, यूं करो गीता जी सुनाई,
अरे गीता जी नहीं है, ये भगवत, वो भगवत गीता है, ये भागवत महापुराण है, दोनों में बहुत अंतर है। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को, और श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान की लीलाएं हैं। भगवत गीता गाने वाले श्री कृष्ण कौन हैं ये पता करना हो तो भागवत जी की शरण में आओ। तो तीन ग्रंथ हमारे मूल हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। तीनों का उद्देश्य क्या है कभी विचार किया, या कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्मावली हैं, आप ब्रजवासी हैं, मथुरा में रहते हैं, तीन ग्रंथ आपके प्रधान हैं, गीता जी, भागवत जी और रामायण जी, तीनों का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा आज के बाद। गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का नाश। संसार में जो हमारी प्रवृत्ति है, इस संसार में रहते हुए भी प्रवृत्ति ना करते हुए हम कैसे संसार में रह सकते हैं? संसार में जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति ना हो और हम संसार में भी रह लें, ये गीता जी सिखाती हैं, मोह निवृत्त होकर के संसार में रहना। तो गीता जी का उद्देश्य क्या है? मोह का निवारण। रामायण का प्रतिफल क्या है? राम कथा का उद्देश्य क्या है? प्रेम का संवर्धन। पत्नी के प्रति कैसा प्रेम हो, भाई के प्रति कैसा प्रेम हो, शत्रु के प्रति कैसा व्यवहार हो, शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार, राजा के प्रति कैसा व्यवहार, वंचर जीवों के प्रति कैसा व्यवहार, उपेक्षित वानरों के प्रति कैसा व्यवहार, वो प्रेम संवर्धन सिखाते हैं। सबके प्रति प्रेम भाव कैसा होना चाहिए? गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य क्या है? सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी। समस्त प्राणी मात्र के भीतर विराजमान श्री कृष्ण हैं, ऐसा पहचान मानव को करवाना। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे हृदय में श्री ठाकुर जी को विराजमान करना, श्री ठाकुर जी को हृदय कुंज में अवस्थित करना, यह भागवत जी का उद्देश्य है। समझ में आई बात? गीता जी का उद्देश्य मोह की निवृत्ति, रामायण जी का उद्देश्य प्रेम का संवर्धन, और श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य सर्व जीवात्मा के चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव। और ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के लिए जो मार्जन, जो स्वच्छता, जो पवित्रता की आवश्यकता है, वो सब करना, ये भागवत जी करते हैं।